अज असी थोड़ी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं पिंड माणुके संधुआ दे जिला लुधियाना दे प्रिंसिपल सरदार गुरमुख सिंह संधु जी दे नाल जो कि पिंड दे सरपंच भी ने ते पिंड दे विच चल रहे भाई दान सिंह पब्लिक स्कूल दे प्रिंसिपल भी ने। ये स्कूल 1982 दे विच इन्होंने शुरू किया अपने पिता जी की याद विच। इन्हां नाल गलबात करके सानू ये पता लग्या कि इन्हां नू पिंड दी नुहार बदलन दा जनून पिंड दे विकास दा इन्हां दे मन विच जनून शुरू तो ही है। आओ जानदे हां इन्हां कोलों इन्हां दे बारे च। दर्शको पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं अक्का आए हां एक ऐसे इंसान दे कोल जिन्हें अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा च लगाई, चाहे वह अजे सरपंच होवे, चाहे विद्या दा दानी होवे। अज तक हजारां दी गिणती दे विच स्टूडेंट्स नूं विद्या दा दान दिता, उहदे नाल नाल पिंड की सेवा की, जिस दिन दा पिंड की सरपंची संभाली उस दिन च पिंड का नक्शा बदल के रखता। साडी मुराद है प्रिंसीपल गुरमुख सिंह जी दे नाल जिहड़े विद्वान ने और जिंदगी दे सारे सफर दे विच लखां बच्चों का भला करके अज जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे आ, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई किसी तरह सेवा कर रहा। और जे आप पिंड की गल कर लिए माणुके पिंड की, जिहड़ा कि लुधियाने जिले का एक पिंड है, उस पिंड का नक्शा बदल के रख दिता। असीं तुहानूं सारे शॉर्ट्स भी दिखावांगे पिंड दे कि किस तरीके नाल पिंड की नुहार जिहड़ी आ इन्होंने बदल के रखी भी हैगी आ। और स्कूल जिहड़ा कि प्लस टू मेडिकल तक स्कूल चल रहा है, उहदे च सारे स्ट्रीम ने स्कूल दे विच सेवा की। कोरोना दी एपीडेमिक दे विच जिहड़ा कि बहुत ही औखा समां सीगा, उस समय दे विच वी हर एक लोड़वंदी सहायता की, पिंड के सरपंच होने के नाते सारिया सेवावान जोड़े है खुद संभालिया, किसी ने भी पिंड तकलीफ नहीं आने दी। अज भी आप देख सकते कि पिंड का विकास जोड़ा पूरी तरह चल रहा, थोड़ी जी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी सेवा दे अज लगे हुए हैं और उही सेवा जी चलती पी है। किसान की गल कर लीए तो एक बार पहला फंड जोड़ा है 1,00,000 रुपए का, उस तो बाद 50,000 रुपए का दो बार फंड जोड़ा है किसानों मुहैया करवा चुके हैं। असी गलबात करन जा रहे हैं सरदार गुरमुख सिंह जी के नाल। सर तुहाडा स्वागत है, किवें अज पिंड दा विकास हो रहा अज दे इस औखे समें दे विच वी आपां देख सकदे हां पिंड दा विकास जिहड़ा उह नहीं रुकण दित्ता, की कहना चाहोगे? इह सारी परमात्मा दी मेहर है ते मैनूं तां लोकां नूं काम दा जिम्मेवारी समझदे जां शौक हुंदा, मैनूं तां पिंड दा विकास करन दा कमाल है ते उन्ना चिर मैं सौ ही नहीं सकदा। रात को सुत पे भी सुपने आते कि वह गली केटा उच्चा लेनी है, उत्ते टैदा लाइनिया, तो आ जो सरकारी स्कूल है इस रस्ता जा रहा वह कच्चा है, तो सरकारी स्कूल का बरांडा वोदिया छत बदलवालिया, तो प्राइमरी स्कूल का गेट गया पाया, गेट भी बनाना, तो नवा भी बना बना भी दते, सारे काम करते। तो अच जो देखिए पिंड चाहे पाँच जगह मिस्त्री लगे हुए हैं, तीन आंगनबाड़ी केंद्र च लैटरीन बन रही है, मोटर लग रही है, एक साढ़े पिंड माणुके है ना, ये माणुके संधुआ दे डेढ़ का पिंड साढ़े गुआंढ है, डेढ़ क्या तो आने वाली सड़क जो हरिजन बस्ती है उन्होंने कोले सांझी जगह वास धर्मशाला ही नहीं सी, उत्थे नवी धर्मशाला की उसारी शुरू हो चुकी है जिते के लोग अपने सांझे समागम कर सकन। हाथ सवेरे शाम को बजुर्ग बैठते हैं, ताश भी खेलते हैं, गल्ला भी मारते, चुगलियां भी करते। और स्कूल की आप गल कर लिए गुरमुख सिंह जी, कोरोना का एपीडेमिक भी रहा लेकिन स्कूल सेवावान जड़िया बहुत तह दिली के नाल सेवावान जड़िया होंगे रही। ऑनलाइन की गल कर लिए तो बड़े लंबे समय तो ऑनलाइन चीज़ा करते रहते क्योंकि वीडियोग्राफी और ऑनलाइन क्लासिज स्टडी की गल कर लिए, स्मार्ट क्लासरूमों की गल कर लिए, इस लुधियाने जिले का पिंड जो माणुके आ नाम ही माणुके पिंड है, लेकिन जिस तरीके सेवावान जी इतने लुधियाने की एक बहुत बेस्ट जिम्मे फॉरम दर्जा के उ गुरमुख सिंह जी ने सेवावान जीडिया स्कूल दीतियाँ वो बारे की कहना चाहो? ये जो स्कूल है भाई दान सिंह पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल पिंड माणुके, ये मेरे पिता जी के नाते है, तो उन्होंने चढ़ाई करने के बाद 82 के स्कूल स्टार्ट किया, तो अज तक इतने इंग्लिश तो पंजाबी दोवें मीडियम चलते हैं और पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के नाल असं अटैच हैं। कई आम मेरे वीरां पिंड वालों को यह नहीं पता होता कि CBSE चंगी है, ICSE चंगी है, तो जिहड़ियां बोर्ड दियां किताबां छपदियां हैं वो तो NCERT छपदी है, नैशनल काउंसल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इंग्लिश मीडियम दियां किताबां चाहे वह पंजाब बोर्ड दियां ही हैं वो भी
एनसीईआरटी छापती है बोर्ड का वहम पा के कई लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इस करके मैं उन्होंने भी अपील करता है चाहे वो ना तो सरकारी स्कूल च पढ़ा लो वो वधिया, तो पर यहोजे जिन्हों को पिछ उपर लिखा होंगे CBSE पैटर्न ना CBE तो रेकनेशन ना CBSE के ना एफिलिएटेड कोई भी मानता नहीं होंगी, तो सिर्फ देख के पैटर्न देख के भी लोग बच्चे दायर करवा भी जाते हैं पिंड भी अपील है कि ना कर फादर साहब मेरे ने आजाद इंदौर नौकरी की गुरु बाग मोर्चे के बच गए दोवे जात तो पेंशन के पेपर आ गए, पर बाबा नानक सिंह जी के चरणों च आके बेनती की और उन्होंने हुक्म मन गए दोवें पेंशन रिफ्यूज कर दतिया, कहें मेरा जज्बा से मैं पेंशन लैन वास्ते काम नहीं किया, तो बाबा जी ने कहा वह चंगा बुरला गुरु नानक की पेंशन ले जा, जड़ा आले दुआले बाग बगीचा हरियावल तो जमीन मैं जब शादी हुई तो मेरे सहुरे किचना करते मेरी वाइफ न इतने टिब्बे होंगे सी रेते दे गर्व जी, तो वह कहते कोई ना कुड़ी छलियाँ तो गन्ने लम्बिया तो भेज दिया करी क्यों जमीन बेअबाद से अज ये दास ये गरीबड़ा गुरु नानक साहब की मेहर ना तो बापू जी दिया बख्शिशा सदका 100 एकड़ का मालिक है लोहारा हिम्मतपुरा बदनी कला बदनी खुरद उस सड़क के उत्ते ही 2 करोड़ रुपया तो सड़क मुआवजे का मिल गया जी मोगा बरनला 4 लेन बनी है, तो हूँ तो कोई कमी नहीं बाबा जी पिंड में जंगी पत्थर के काम चल रहा है, तो 22-22.5 लाख रुपया पलियों में आ चुके हैं जिसे अगर मुड़ भी आऊगा तो 14 मुड़े हो 15 मुड़े हो बाकी की परवाह ही कोई नहीं, तो एक होर साझी करने वाली है कहम कर तुहाडी नीयत साफ है तुसी गरीबां वल वेख रहे हो गरीब का मूँह गुरु की गोलक होंगे तो गरीबां वल वेख रहे हो तो रब तुहाडे नाल है, जिस तरीके गरीबां दे लई आसरा घर भी खोलिया होया है सेवा उत्ते भी हो रही है गरीबां की, और यही कारण है कि एडिया वड्डे असीसां दे नाल बहुत वड्डा जिहड़ा कष्ट जिहड़ा परमात्मा ने दिता सी लेकिन उहदे तों भी उभर के आए ने गुरमुख सिंह जी, और अपने नाल जिद्दां गल कर रहे हैं असीं सारयां नूं दसणा चाहवांगे कि गुरमुख सिंह जी बिल्कुल ठीक ठाक ने, इन्हां दा पूरी नर्जी है जिस तरीके नाल बोल रहे ने अज्ज और ये बिल्कुल स्वस्थ ने तुहाडे भरावां दीआं दुआवां दे नाल उहनां गरीबां दीआं दुआवां दे नाल उन्हें बेसहारा दुआवों के नाल उन्हें गरीब बच्चों दुआवों के नाल जिन्हें फ्री एजुकेशन दे देंदे कोई आके एक बार कह दे भी नहीं है फीस कहता चल यार कोई नहीं एक अद्धी तो गुस्सा जहा कर देंगे भी एवं तुम करी जाने लेकिन बाद फिर अगले प्यार दे नाल वो गुरमुख ने ये और गुरमुख का मतलब ही गुरमुख है जो परमात्मा का गुरमुख का मतलब गुरु नू जिहड़ा है प्यार करने वाले गुरमुख ने तुहाडा धन्नवाद होरी घोड़े वर्गी सेहत है गुरु की मेहर होगी। सारी टीम जदों पिंड दे विच दाखल हुई तो पिंड की साफ सफाई ने साडी टीम नूं आकर्षित किया, इन्हां नाल गलबात करदिआं असीं जाणिआ कि इन्हां नूं पिंड दे विच विकास दा जनून सी और इन्हां ने उस जनून तहत पिंड दे विच इन्नी तरक्की कीती है कि उस दी तस्वीर साफ नज़र आउंदी है, ते आओ मारदिआं चार पिंड माणूके संधुआं दे। ਟਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ
ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਣੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਛੱਪੜ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਰੋੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਰੀ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੈਨ ਹੋਣੇ, ਦਸਤਖਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਾਂਟ ਸਾਢੇ 18-20 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਨੂਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਿਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮਾਨੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਹੋਮ ਪਿੰਡ ਹੈ
ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ NRI ਜਾਂ USA ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਮ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪੂਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਖੁਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਡੂਆਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਗ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕਰੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਬਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ